हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, अभी कुछ दिन पहले मैंने बिग बॉस के कंफर्म्ड कंटेस्टेंट्स की लिस्ट बनाई थी। सिर्फ उन लोगों को इंक्लूड किया था जो कि फुली फाइनल हैं, लॉक्ड हैं सीजन के अंदर जाने के लिए। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सारे कंटेस्टेंट्स जिनके साथ मेकर्स डिस्कशंस में रहे हैं पिछले कुछ महीनों से या फिर हफ्तों से, यानी कि अप्रोच्ड वाले कंटेस्टेंट्स भी और कुछ कन्फर्म्ड वाले कंटेस्टेंट्स भी। इस वीडियो में हमें सारे देखने को मिलेंगे, जिनको अप्रोच करा गया है, जिनकी अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं है वगैरह वगैरह, वो भी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले तो हमारी कपल कंटेस्टेंट जो हमें देखने को मिलते हैं, ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट। नील भट्ट के चांसेस कम हो गए हैं अब आने के लिए, लेकिन ये दोनों टॉक्स में थे मेकर के साथ बहुत देर से, और ऐश्वर्या तो कन्फर्म्ड ही हैं। झलक दिखला जाएगा ऑफर मिला है नील को, लेकिन अभी भी कुछ चांसेस हैं कि वो बिग बॉस में शो अप कर सकते हैं। तो अगले नाम है हमारे सामने सनाया ईरानी और मोहित सहगल, पॉपुलर टीवी एक्टर्स, जिन्हें हम मिले जब हम तुम में एक साथ देख चुके हैं। रियल लाइफ कपल भी हैं, इनको अप्रोच करा गया शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन नहीं करा है। अगले कंटेस्टेंट हैं जय सोनी। जय सोनी को हम ससुराल, गेंदा फूल, भाग बकुल भाग, ये रिश्ता ऐसे अलग अलग टीवी सीरियल से जानते हैं, और इनको फाइनल कर लिया गया है नए सीजन में। डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं, कन्फर्म्ड हैं ये एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करने वाले बिग बॉस के सीजन 17 में। नेक्स्ट कंटेस्टेंट हमें देखने को मिलते हैं कन्वर ढिल्लो, जिन्हें हम स्टार प्लस के सीरियल पंड्या स्टोर में देख चुके हैं। तो गाइज, ये भी कन्फर्म्ड कंटेस्टेंट्स में से एक हैं जो कि डेफिनेटली सीजन 17 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला नाम है ईशा मालविया का, जो कि कलर्स टीवी के ही सीरियल उड़ारियां में फीमेल लीड प्ले करती आई हैं। तो गाइस, अब उड़ारियां के बाद ये बिग बॉस में हमें देखने को मिलने वाली हैं, फुली कंफर्म्ड फाइनल कंटेस्टेंट हैं ये। अगला नाम है अभिषेक कुमार। यहाँ पर अभिषेक कुमार भी हमें बिग बॉस सीजन 17 में देखने को मिलेंगे, और ये भी उड़ारियां कलर्स टीवी के सीरियल का हिस्सा थे। अगला नाम है पॉपुलर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी, जो कि करण अर्जुन मूवी से जानी जाती हैं, और भी मूवीज़ में हमें देखने को मिली हैं। यहाँ पर सीनियर एक्ट्रेस भी हमें बिग बॉस के सीजन 17 के देखने को मिल सकती हैं। अभी के लिए मेकर्स के साथ फाइनल डिस्कशंस में हैं। अगला नाम है फेमस टीवी प्रोड्यूसर संदीप सिकंद का, जो कि मेहंदियाँ रचने वाली पॉपुलर टीवी सीरीज ऐसे और भी प्रोड्यूस कर चुके हैं, एंड ये बिग बॉस में भी हमें देखने को मिल ही चुके हैं, जैसे कि वीकेंड वगैरह पे आया करते थे। इनको अप्रोच करा गया है, ऑफर भेजा गया है। अभी के लिए हमें नहीं पता होंगे या फिर नहीं होंगे, शो में पार्टिसिपेट करेंगे या फिर नहीं, बट हाँ इनको ऑफर भेजा गया है। बिग बॉस वाले देखना चाहते थे इनको एज अ कंटेस्टेंट, कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में। नेक्स्ट जो है वो है कपल, अंकिता लोखंडे और विकी जैन, ने दोनों हमें इस शो में देखने को मिलने वाले हैं। कन्फर्म्ड हैं दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज अ कपल। तो अगले नाम है कपल के, यानी कि श्रेणु पारिक और अक्षय महात्रे को भी इस शो के लिए अप्रोच करा गया है सीजन 17 के लिए, इनको ऑफर गया है। अभी के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इनका साइंड नहीं है, तो शो में जाएंगे नहीं जाएंगे, ऑफर एक्सेप्ट कराया फिर नहीं, अभी के लिए नोन नहीं है। अगला नाम है पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, पिछले सीजन भी इनको ऑफर भेजा गया था, इस बार भी ऑफर भेजा गया है। अभी के लिए फाइनल नहीं है शो के लिए, अभी के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइंड नहीं है। पिछली बार इन्होंने नहीं लिया था शो को, इस बार देखते हैं क्या होगा, अभी के लिए तो ये फाइनल नहीं है। अब अगला कुछ इंटरेस्टिंग नाम देखने को मिलता है, जो कि है अरमान मलिक और पायल मलिक, जो कि हस्बैंड वाइफ हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फेमस इन्फ्लुएंसर हैं। अब इसमें ट्विस्ट ये है, कुछ लोग नहीं जानते अरमान मलिक की तीन बीवी हैं, तीन वाइफ्स हैं। तो अपनी पहली वाइफ के साथ, यानी कि पायल मलिक के साथ, वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं सीजन 17 में। यूट्यूबर, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह इस सब से काफी वायरल हैं, काफी फेमस हैं और कंट्रोवर्शियल भी हैं, जो कि आप समझ ही गए होंगे। तो अगला नाम है शैलेश लोधा, जो कि हम सब इनको तारक मेहता से जानते हैं। तो इन्हें भी अप्रोच किया गया था, ऑफर भेजा गया था, इन्होंने अभी के लिए एक्सेप्ट नहीं किया है, अभी के लिए नोन नहीं है पार्टिसिपेट करेंगे या फिर नहीं, बट हाँ ऑफर ज़रूर गया था। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहे हैं पिछले कुछ महीनों से असित मोदी के साथ लड़ाई के कारण। अगला नाम हमें फिर से उड़ारियाँ सीरियल से देखने को मिलता है ईशा मालविया, इनको भी अप्रोच करा गया था और मेकर्स के साथ ही डिस्कशंस में थी पिछले कुछ महीनों से बिग बॉस 17 के लिए। अभी के लिए लॉक्ड नहीं है, डिस्कशंस हुई हैं, तो देखते हैं क्या होता है या पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं। तो अगला नाम यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है सुम्बुल तौकीर के फादर, इनको भी अप्रोच करा गया है, मैंने आपको बताया था अलग से वीडियो बनाकर, इनको भी ऑफर गया है सीजन 17 का। अभी के लिए तो कुछ एक्सेप्ट नहीं करा है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। पिछले सीजन में जब ये आए थे और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चले गए थे, हम सब जानते ही हैं। अगला नाम है यहाँ पर समर्थ जुरैल, जिन्हें हम स्प्लिट्स विला में भी देख चुके हैं, इनके साथ भी मेकर्स डिस्कशंस में थे। अगला नाम है एलिस कौशिक, जिनको कन्वर के साथ एज अ कपल अप्रोच करा गया था, बट अभी के लिए कुछ पता नहीं है शो में आएंगी या फिर नहीं, बट कन्वर का तो कन्फर्म है। अब थोड़ा सोशल मीडिया वाली साइड को देख लें, तो यहाँ पर हर्ष बेनीवाल के साथ मेकर्स थे डिस्कशंस में, इनको भी ऑफर भेजा गया था बिग बॉस सीजन 17 में पार्टिसिपेट करने का। यहाँ पर हर्ष बेनीवाल सबसे पहले वाले कंटेस्टेंट्स में से थे जिनको सबसे पहले ऑफर गया था।
तो हाँ ये मेकर्स के साथ ज़रूर इनकी डिस्कशंस हुई हैं, लेकिन अभी के लिए इनको कंफर्म नहीं करा गया है। नेक्स्ट नेम है फैजल शेख का, यानी कि मिस्टर फैजू का। तो गाइज़ ये भी बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर हैं और रियलिटी शोज़ में पार्ट भी ले चुके हैं। पिछली बार भी ऑफ़र गया था और नए वाले सीज़न का भी ऑफ़र गया है, लेकिन लगता नहीं कि ये पार्टिसिपेट करेंगे। इनकी तरफ से कोई एक्साइटमेंट देखने को मिली नहीं और कॉन्ट्रैक्ट साइन अभी के लिए नहीं है। अगला नाम भी हमें यहाँ पर YouTube से देखने को मिलता है, जो कि है अनुराग डोभाल, जो कि द UK07 राइडर नाम का पॉपुलर YouTube चैनल चलाते हैं। एक व्लॉगर हैं और इन्हें बिग बॉस के साथ डिस्कशंस में हुए काफ़ी ज़्यादा महीने हो गए हैं और बिग बॉस के साथ ही टॉक्स में थे नए सीज़न में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड ही हैं ये नए सीज़न के लिए। उसके बाद जिया मानेक, जिन्हें हम ज़्यादातर जानते हैं गोपी बहू के रोल में या फिर जीनी और जुजू में जीनी के रोल के लिए, इनको भी ऑफर भेजा गया है इस बार बिग बॉस के मेकर्स के लिए एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करने के लिए। एज ऑफ नाउ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइंड नहीं है, अभी के लिए शो में जाएंगे या फिर नहीं, ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं, अभी के लिए ये अननोन है। उसके बाद अर्जुन बिजलानी, इनको हर बार ऑफर जाता है, इस बार भी गया है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जी टीवी के सीरियल में बिजी हैं। उसके बाद अरिजीत तनेजा, जिन्हें खतरों के खिलाड़ी में देखा गया है रिसेंटली, इनको भी ऑफर गया है नए सीज़न में पार्टिसिपेट करने का। तो गाइज़ ये थी एक्सपेक्टेड कंटेस्टेंट्स की लिस्ट, यानी कि जिनको अप्रोच करा गया, ऑफर भेजा गया और ऑल्सो जो कन्फर्म्ड वाले हैं सबकी एक लिस्ट। तो गाइज़ इनमें से कुछ लोग आपको देखने को मिलेंगे एज कंटेस्टेंट्स और कुछ लोग देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पर कन्फर्म फाइनल वाली लिस्ट जो है वो आखिरी ग्रैंड प्रीमियर के दिन से कुछ दिन पहले ही लॉक होते हैं सारे फाइनल कंटेस्टेंट्स। तो उनकी एक फाइनल लिस्ट भी डाल दूंगा प्रीमियर होने से पहले भी। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप किसी भी बिग बॉस के अपडेट को इस बार बिल्कुल भी मिस ना करें, हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें। कमेंट्स में ये जरूर बताना कि इनमें से कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जिनको आप देखना चाहते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।